अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है दाल और पालक। दाल और पालक हम आसानी से किस तरह से तैयार करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है एक पाव। ये 250 ग्राम दाल जो कि मैं ये पतीली में डाल दूँगी। मूंग की छिलके वाली दाल लेने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 100 ग्राम चने की दाल। चने की दाल को मैंने 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और इस दाल को यानी कि छिलके वाली दाल को मैंने भिगोया नहीं था, वरना इसके छिलके उतर जाते। तो अब मैं ये भी इसी में शामिल कर दूंगी और अब मैं इस दाल में पानी डाल दूंगी। पानी में इतना डालूंगी कि दालें हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। और अब इन दालों में मैं डाल दूँगी सबसे पहले ये नमक जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। और अब इन दालों में मैं उबाल आने का इंतज़ार करूंगी और इनको पक जाने तक पका लूंगी, यानी कि इनको पूरा मुझे गलाना है। और उसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दाल और पालक बनाने के लिए हम अब उसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 अदद ये प्याज लिया है और स्लाइस में कट कर लिया है। ऑयल मैंने बहुत कम लिया है, यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया इसमें, और इसी में मैं मसाला तैयार करूँगी। और आगे आप देखिएगा कि मैं इसमें और क्या क्या अज्जा शामिल करती हूँ। प्याज हमारे कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज और हरी मिर्चें हमारी बहुत अच्छे से नरम हो चुकी हैं और प्याज का कलर भी तब्दील होने लग गया है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए और इनको बारीक कट कर लिया है, ये मैं डाल दूँगी। प्याज टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये नमक। टमाटर डालने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक भी डाल दिया है ताकि हमारे टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से नरम हो जाएँ, गल जाएँ। बस ये थोड़ा सा मैं इनको पका लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ ही मैं ये लहसुन और अदरक डाल दूंगी। ये मैंने 1-1 टेबल स्पून लहसुन लिया 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही मैंने अदरक का लिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद अब मैं डाल दूंगी ये 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और ये सारे मसाले मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके और इनको थोड़ा सा धीमी आंच करके ढक कर पकाऊंगी, इतना कि हमारा टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए, एक मसाला सा बन जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखें इसमें टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तकरीबन मैंने इनको 5 मिनट तक पकाया था। ये देखें नाज़रीन, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी नज़र आने लग गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। और गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पालक जो कि मैंने धोकर तैयार कर ली है, और ये 300 ग्राम पालक है जो कि मैं इस मसाले में डाल दूंगी। और अब इस पालक को हमें इस मसाले में बहुत अच्छे से पकाना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है, माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी लगती है। और आसान मैंने आपको इसलिए दी है कि मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत आसानी से ये बन जाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगती है आज की ये रेसिपी। बस ये पालक थोड़ा सा इसमें पक जाए, नरम हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और अब कुछ देर में पालक को ढककर इसमें पकाऊँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। चेक कर लेते हैं नाज़िम जी, ये हमारी पालक बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये दोनों दालें जो कि मैंने आपके सामने उबाली हैं। ये देखिए नाज़िम, मैंने सारी दाल इसमें डाल दी है और अब इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। अच्छा, इसमें मिर्च मसाले आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा रख सकते हैं,
क्योंकि कुछ घरों में बहुत ज़्यादा चटपटी खाई जाती है और कुछ में नॉर्मल, तो मेरे यहाँ नॉर्मल मिर्चें ही खाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने अपने अंदाज़ से रखी हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक मिर्च मसाले इसमें बढ़ा सकते हैं। नाजिन, अच्छा ये दाल अगर आप दाल चावल के तौर पे इस्तेमाल करें चावल के साथ, तो इसे थोड़ा सा पानी डालकर और कुछ इसको पतला कर सकते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। और अगर आप रोटी के साथ पराठों के साथ खाएं तो इसको इसी तरह से गाढ़ी रहने दीजिएगा। ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखिए नाजिन, दाल में हमारे बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, ये तैयार है। और अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी, वो आपको दिखाती हूँ। दाल और पालक के लिए जो मैं तड़का तैयार करूँगी, उसके लिए मैंने फ्राई पैन में ये घी डाल दिया है और तकरीबन ये मैं आधा कप घी लूँगी। घी गर्म हो जाता है उसके बाद आपको दिखाती हूँ। घी के कुछ गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी ये 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। ज़ीरे के कुछ चटकते ही मैं इसमें डाल दूँगी ये अदरक, जो कि मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर ली है, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने अदरक ली है। ज़ीरा और अदरक दोनों पक रहे हैं, तो इसमें मैं डाल दूँगी ये लाल मिर्च साबुत, जो कि मैंने 6 से 7 अदद ली हैं। देखिए नाजिन, तड़का हमारा तैयार है दाल पर डालने के लिए, और मैं दाल पर डालती हूँ। और ये मैं इस पर चले, अब मैं इस पर हरा धनिया छिलक देती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाजिन, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दाल और पालक बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है ये। मैं अक्सर इसे बनाती हूँ, इसीलिए आपको आज ये रेसिपी दी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है, आपको कि कैसी बनती है ये रेसिपी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मिलूँगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कर दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। और रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक तो ज़रूर दीजिएगा आप। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मिलूँगी। आप दुआओं में बहुत याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।